मूवी की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाने के बाद हम दो जेनेटिक इंजीनियर्स क्लाइव निकोली और एल्सा कास्ट को देखते हैं। ये दोनों नर्ड कंपनी के लिए काम करते हैं जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कंपनी जानवरों के लिए दवा बनाती है और जानवरों की दवा बनाने के लिए ये CD356 नाम की प्रोटीन सोर्स का पता लगाना चाहती है और इसके लिए वो कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर नया डीएनए बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम मूवी में आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बहुत से एनिमल के डीएनए को मिलाकर एक बड़ा वर्मी फॉर्म क्रीचर को बनाया है। इन लोगों ने इसका नाम फ्रेड रखा है जो एक मेल स्पीसीज है। इसके बाद ये लोग फ्रेड को एक ग्लास से बने हुए बॉक्स के अंदर रख देते हैं और यहाँ पर फ्रेड को जिंजर से मिलवाया जाता है। जिंजर को भी इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा फ्रेड से पहले बनाया होता है जो कि एक फीमेल स्पेसीज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेड और जिंजर एक दूसरे से बड़े ही प्रेम के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। एल्सा और क्लाइव का यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब एल्सा और क्लाइव अपने कलीग विलियम वार्लो के साथ अपने एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट देने के लिए कंपनी की हेड जॉन कोरोट के पास जाते हैं। यहाँ पर वे दोनों जॉन कोरोट से बताते हैं कि उन्होंने कई सारे जीव जंतुओं के डीएनए को मिलाकर एक अलग किस्म के जीव जिंजर और फ्रेड को बनाया है जिनके प्रोटीन से जानवर की दवाइयां बनाई जा सकती हैं। अब एल्सा और क्लाइव अपने इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर करना चाहते हैं और इंसानों के डीएनए को पहले वाली मिलीजुली डीएनए से जोड़कर अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं। इस पर जॉन कोरोट कुछ देर सोचती है और कहती है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उनके इस एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश हैं, लेकिन अब वो फेज 2 की ओर बढ़ना चाहते हैं और जिंजर और फ्रेड की बॉडी से मिले प्रोटीन सोर्सेज जानवरों की दवाइयां बनाना चाहते हैं। वो क्लाइव और एल्सा को यह भी बताती है कि अब कंपनी अपने सभी लैब्स को बंद करके वहां पर केवल जिंजर और फ्रेड की बॉडी से मिलने वाले प्रोटीन सोर्स से जानवरों की दवाई बनाएगी। एल्सा जॉन कोरोट से कहती है कि अगर वे इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करते हैं तो बाद में कोई और इंसानों के डीएनए के साथ इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेगा। इस पर जॉन कोरोट इनसे कहती है कि फिलहाल में अभी उन लोगों को जानवरों की दवाइयों को बनाकर मार्केट में उतारने पर फोकस करना चाहिए और अगर वो इसमें सक्सेसफुल रहे तो बाद में वो इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर भी ट्राई कर लेंगे। लेकिन एल्सा और क्लाइव अपनी लाइफ के इन 5 सालों को जानवरों से प्रोटीन सोर्स निकालने में बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे दोनों अपने इस एक्सपेरिमेंट को छुपकर करने का डिसीजन लेते हैं। अब ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को सीक्रेटली करने लगते हैं। इसके बाद एल्सा क्लाइव को एक अनजान महिला की डीएनए देती है और ये दोनों उस पर अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। इस पर क्लाइव एल्सा से कहता है कि शायद इंसानी डीएनए जानवरों की डीएनए से मिलना नहीं चाहता है। इनके कई सारे एक्सपेरिमेंट लगातार फेल हो जाते हैं। इसके बाद एल्सा क्लाइव को एक और इंसानी महिला की डीएनए देती है और उस पर एक्सपेरिमेंट करने को बोलती है। जब क्लाइव अपने एक्सपेरिमेंट को उस पर करता है तो उस डीएनए के साथ उनका यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है जिससे ये दोनों काफी खुश भी हो जाते हैं। एल्सा इस डीएनए को लेकर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट रूम में जाती है और क्लाइव के मना करने के बाद भी एक आर्टिफिशियल गर्भ में इंसर्ट करने वाली होती है। क्लाइव एल्सा को ऐसा करने से मना करता है। एल्सा क्लाइव को समझाती है कि वो बस चेक करना चाहती है कि ये डीएनए सरवाइव कर पाता है या नहीं और एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले इसको मार देंगे। क्लाइव कहता है कि किसी को जिंदा करना और फिर बाद में उसे मार देना बहुत गलत बात है। जब एल्सा क्लाइव से कहती है कि डेली न जाने कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इससे न जाने वो कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। इस पर क्लाइव एल्सा की बात मान जाता है और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है। वे दोनों देखते हैं कि उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। जिसको कई महीनों में बाहर आना चाहिए वो कुछ ही दिनों में बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। जब एल्सा उसको बाहर निकालने के लिए अपना हाथ डालती है तो वो एल्सा के हाथ को पकड़ लेता है। क्लाइव कांच को तोड़कर एल्सा के हाथ को उसमें से निकाल देता है और उसमें से एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बाहर आता है। इसकी एक पूंछ भी थी जो जानवर और इंसान किसी की जैसी भी नजर नहीं आ रही थी। क्लाइव इसे मारने वाला होता है, लेकिन एल्सा को लगता है कि वे दोनों इससे कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए वो उसे जिंदा रखने के लिए कहती है। अब ये दोनों उसके बारे में पता लगाने के लिए इसको जब बेहोश करके स्कैन करते हैं तो पाते हैं कि ये एक फीमेल है और इसकी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे ये अपने आप ही मर जाएगी। एल्सा क्लाइव से कहती है कि हम इसकी लाइफ से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं और फाइनली वे दोनों उसे जिंदा रखने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद एल्सा और क्लाइव उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने लगते हैं और पाते हैं कि वो अपने पहले मंथ में ही बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब तो उसके दोनों हाथ भी निकल आए हैं। इसके ब्रेन को स्कैन करने से पता चलता है कि इसके ब्रेन भी इंसानी ब्रेन के जैसा ही विकसित हो रहा है। एक दिन जब एल्सा उसको अपना नाम सिखाने की कोशिश करती है तो वो उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए नर्ड को लिखती है, जिसके बाद एल्सा उसका नाम ड्रेन रख देती है जो कि नर्ड को उल्टा करने पर बनता है।
क्लाइव एल्सा से कहता है कि तुम तो उसका ख्याल ऐसे रख रही हो जैसे ड्रेन तुम्हारी अपनी हो। इसके बाद क्लाइव बताता है कि अब इस बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली है। अब एल्सा ड्रेन को नीचे गोडाउन में रखने के लिए प्लान बनाती है। अब क्लाइव और एल्सा के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लाइव के भाई गेविन को भी पता चल गया है। इसके बाद ये दोनों ड्रेन को लेकर नीचे गोडाउन में चले जाते हैं। यहाँ पर ड्रेन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। क्लाइव ड्रेन को पानी में डुबोकर उसकी जान बचा लेता है क्योंकि क्लाइव जानता है कि ड्रेन में मछली के गुण हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्ड के शेयर होल्डर्स को फ्रेड और जिंजर के बारे में बताने के लिए प्रेजेंटेशन रखा गया है। एल्स और क्लाइव वहाँ पर आए हुए सभी लोगों से फ्रेड और जिंजर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसके बाद इन दोनों को एक कांच के बॉक्स में रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि जब इनको एक साथ रखा गया तो इन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉन्टेक्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को ही मार डालते हैं। इसे देखकर यहाँ पर आए हुए सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद हम एल्सा और क्लाइव को बोर्ड मीटिंग में देखते हैं और यहाँ पर वो बताता है कि जिंजर जो कि एक फीमेल थी उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंज आने के कारण उसका जेंडर चेंज हो गया था और वो अपने आप ही फीमेल बन गई थी, और जब दोनों मेल को एक साथ रखा गया था तो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। एल्सा फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को करने को बोलती है, लेकिन उन दोनों का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने की वजह से उन दोनों को एक्सपेरिमेंट करने से मना कर दिया जाता है और किसी भी तरह से CD-356 नाम के प्रोटीन सोर्स को ढूंढने के लिए बोला जाता है। अब ड्रेन काफी बड़ी हो गई थी और इसकी पूंछ भी बड़ी हो गई थी और इसको यहाँ पर दूसरे लोगों द्वारा देखे जाने का डर था, इसीलिए ये दोनों ड्रेन को एल्सा के फार्म हाउस में ले आते हैं। ड्रेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको खोजते हुए दोनों पीछे जाते हैं तो ड्रेन को खरगोश का मांस खाते हुए देखते हैं। इसके लिए एल्सा ड्रेन को डांटती है। अब ये दोनों ड्रेन पर नजर भी रख रहे हैं और प्रोटीन सोर्स को खोजने के लिए कंपनी में भी काम कर रहे हैं। ड्रेन अब एल्सा की बात भी नहीं मान रही थी और बिल्कुल ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी। एक बार ड्रेन छत में लगे हुए कांच को तोड़कर ऊपर चली जाती है। एल्सा और क्लाइव भी उसको लेने के लिए ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि अब उसके पंख भी निकल आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब क्लाइव उसके नजदीक आता है तो ड्रेन उसे गले लगा लेती है। एक दिन क्लाइव कंपनी में चला जाता है, लेकिन एल्सा ड्रेन पर नजर रखने के लिए उसके साथ रुक जाती है और वो ड्रेन का मेकअप भी करने लगती है। एल्सा को ड्रेन के बनाए हुए कुछ ड्रॉइंग्स भी मिलते हैं, लेकिन ड्रेन उससे वो ड्रॉइंग्स छीन लेती है। अब एक दिन ड्रेन एक बिल्ली के साथ खेल रही थी, तभी एल्सा ड्रेन के हाथों से बिल्ली को छीन लेती है जिससे ड्रेन अपसेट हो जाती है। जब क्लाइव फार्म हाउस पर आता है तो ड्रेन को अपसेट देखता है। वो म्यूजिक ऑन करता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और शायद ड्रेन अब क्लाइव की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। अब क्लाइव जान गया है कि एल्सा ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो DNA दिए थे वो किसी और के नहीं बल्कि खुद एल्सा के ही थे। इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है। एक दिन जब एल्सा ड्रेन के लिए बिल्ली को लाती है तो वो अपनी पूंछ से उस बिल्ली को मार देती है और एल्सा के साथ भी अजीब व्यवहार करती है। जब ड्रेन वहां से भागने वाली होती है तो एल्सा उसको बेहोश करके बांध देती है और उसकी पूंछ को काट देती है ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। जब क्लाइव आता है तो उसे ये सब ठीक नहीं लगता और वो ड्रेन को खोल देता है। इसके बाद हम एल्सा को लैब में देखते हैं जहाँ पर वो विलियम वार्डलो से बताती है कि उसने जानवरों की दवाई बनाने वाली CD-356 की प्रोटीन सोर्स को खोज लिया है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब क्लाइव और ड्रेन फार्म हाउस में अकेले होते हैं तो ड्रेन क्लाइव को किस करती है और क्लाइव ड्रेन के साथ में फिजिकल भी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और ये सब देख लेती है। क्लाइव एल्सा को रोकने की कोशिश करता है मगर एल्सा अपनी कार में बैठकर चली जाती है। क्लाइव एल्सा से मिलने के लिए आ जाता है और वो इस बात के लिए सॉरी बोलता है। यहाँ पर एल्सा क्लाइव से बताती है कि ड्रेन में CD-356 पदार्थ मौजूद है जो जानवरों की दवा बनाने के लिए चाहिए था। इसके बाद जब ये दोनों फार्म हाउस पर जाते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन अब मर रही है। ड्रेन के मरने के बाद क्लाइव और एल्सा उसे जमीन में दफना देते हैं। विलियम वार्लो को एल्सा ने प्रोटीन की जो सैंपल दी होती है उसमें इंसानी DNA पाकर विलियम वार्लो गेविन के साथ ड्रेन को देखने के लिए एल्सा के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। एल्सा उसे बताती है कि ड्रेन अब मर चुकी है। तभी वहां पर एक जोर की हवा आती है और ये लोग देखते हैं कि विलियम वार्लो वहां नहीं है। खोजने पर विलियम वार्लो की लाश एक पेड़ पर मिलती है। इसके बाद ये लोग ड्रेन को फार्म हाउस के ऊपर देखते हैं। अब इनके साथ जो हो रहा था वो इनको समझ में नहीं आ रहा था और ये तीनों काफी डरे हुए थे। इसके बाद ड्रेन गेविन को लेकर चली जाती है। क्लाइव गेविन को ढूंढने लगता है। वो क्लाइव को समझाने की कोशिश करती है कि फ्रेड और जिंजर के साथ जो हुआ था वही अब ड्रेन के साथ हुआ है, यानी कि ड्रेन अब फीमेल से मेल में चेंज हो गई है। क्लाइव की टॉर्च पानी में गिर जाती है। जब वो अपनी टॉर्च को निकालने के लिए जाता है तो ड्रेन क्लाइव को पानी में खींच लेती है और इससे कुछ देर बाद क्लाइव पानी के ऊपर आ जाता है।
तभी ड्रेन भी पानी से निकलती और हम देखते हैं कि उसकी कटी हुई पूंछ भी वापस आ गई है और वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ड्रेन को देखकर एल्सा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। भागते समय सिर में चोट लगने की वजह से वो गिर जाती है। तभी ड्रेन वहाँ पर आ जाती है। अब इसका जेंडर चेंज हो गया था। ड्रेन एल्सा का रेप करने लगता है। जब क्लाइव को होश आता है तो वो एल्सा को बचाने के लिए लकड़ी के टुकड़े को ड्रेन की पीठ में घुसा देता है, जिससे वो दर्द से कराहने लगता है। अब ड्रेन अपनी पीठ से लकड़ी को निकाल देता है और क्लाइव पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एल्सा वहां पर आ जाती है और एक बड़े से पत्थर को उठा लेती है, मगर इससे पहले ही ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को मार देता है। ये देख एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और उस पत्थर से ड्रेन का सर फोड़ देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रेन में CD-356 नाम का पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में था, जिससे उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ और एल्सा को इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अमाउंट भी दिया गया है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्सा प्रेग्नेंट है, जिसके गर्भ में ड्रेन का नया हाइब्रिड पल रहा है। जॉन कोरोट एल्सा से कहती है कि इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए अगर वो चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक सकती है, लेकिन एल्सा इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहती है। यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है।